तुसीं देख रहे हो विनिंग पंजाब टीवी तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा। वड्डी खबर सामने आ रही है जो कि श्रोमणी अकाली दे नाल अकाली दल दे नाल जुड़ी हुई है। दस दिए कि अकाली दल की इन्हां संगरूर चोणां दे विच वड्डी हार हुई है। जिस तरीके दे नाल पंज कोणा मुकाबला सी ते उधर श्रोमणी अकाली दल पंजवें नंबर के उत्ते जांदी नज़र आई है, जिस तों बाद अज श्रोमणी अकाली दल की एक मीटिंग होने जा रही है। तुहानूं दस दिए कि मीटिंग दे विच सुखबीर सिंह बादल प्रधानगी दे अहुदे तों अस्तीफा दे सकते हैं। वड्डी खबर श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी दर्शकों एक बार फिर तुहानूं दस रहे हैं कि इस वक्त सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने जिहड़े कि अपने अहुदे तों अस्तीफा दे सकते हैं इस मीटिंग के दौरान। तो उधर नाल दी नाल असीं अपने दर्शकों को दस दिए कि वड्डा नाम श्रोमणी अकाली दल के अंदर बरविंदर सिंह पौंदड़ वह कार्यकारी प्रधान जां प्रधान लगाए जा सकते हैं श्रोमणी अकाली दल के। तो वड्डी अपडेट है जिस तरीके दे नाल बीते दिनी संगरूर जिमनी चोणां नूं लैके जिहड़े चोण नतीजे आए उस दे विच जिथे सिमरनजीत सिंह मान की वड्डी जित हुई उत्थे ही श्रोमणी अकाली दल है जिहड़ा वो इन्हां पंज कोने मुकाबले दे विच पंजवें नंबर ते जांदा रहा। क्योंकि जानकारी दे दी दर्शकों के बीबी कमलदीप कौर राजूवाणा नूं श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों अपना उम्मीदवार ऐलानिया गया सीगा ते जिन्हां दी इन्हां चोणां दे विच वड्डी हार हुई है। महज 50,000 तों भी घट वोटां पईआं ते उत्थे वड्डी हार दा जिहड़ा सामना उन्हां नूं करना पिया। ते जिस तों बाद हुण कहा जा रहा है कि उन्हां दे वल्लों अस्तीफे की पेशकश की जाएगी, अस्तीफा दिता जाना है ते उस तों बाद नवे प्रधान लगाए जा सकते ने। तां कह सकदे आ कि वड्डा झटका अकाली दल नूं कितना कितने इस तरीके दे नाल लग सकता है। जिस तरीके दे नाल सुखबीर सिंह बादल जिहड़े वो कई सालों तो प्रधान चले आ रहे हैं श्रोमणी अकाली दल दे, तां हुण इन्हां चोणां दे विच क्योंकि वड्डी हार होई, इस तों पहलां जेकर गल की जाए विधानसभा चोणां दी तां उन्हां चोणां दे विच भी श्रोमणी अकाली दल दे हिस्से महज 3 सीटां आईआं। 117 दे विचों 3 सीटां आउणा एक बुरे तरीके दे नाल हार होई सीगी ते उस तों बाद भी उन्हां दे वल्लों पेशकश की गई सी पर उन्हां दा अस्तीफा प्रवान पार्टी दे आगूआं दे वल्लों नहीं सी कीता गया। तां एक बार फिर तों दस दईए कि इन्हां चोणां दे विच जिस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल भाजपा तों वी बाद पंजवें नंबर ते जांदी नज़र आई, तां वड्डा जिहड़ा नुकसान इन्हां चोणां दे विच अकाली दल दा होया। जिस तों बाद हुण सुखबीर सिंह बादल इस मीटिंग दे विच जिहड़ी मीटिंग होण जा रही है सीनियर अधिकारी उत्थे मौजूद होणगे, उन्हां दी सुखबीर सिंह बादल दी प्रधानगी दे विच मीटिंग होणी है। क्योंकि वड्डा नाम है श्रोमणी अकाली दल दा जिस तरीके दे नाल प्रकाश सिंह बादल दे सपुत्तर ने, ते इन्हां चोणां दे विच हुण वड्डी हार दा जिहड़ा सामना श्रोमणी अकाली दल नूं करना पिया। उस तों बाद इह फैसला सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों हुण लिया जाणा है। तां देखणा होएगा कि किस तरीके दा माहौल बनता नजर आता इस मीटिंग दे विच, क्योंकि एक वड्डा नाम श्रोमणी अकाली दल जिस दे वल्लों 10 साल पंजाब दे विच सरकार आई 2007 तो लैके जिहड़े 10 साल अकाली दल की सरकार रहिंदी आ 2017 तक, तो इस कार्यकाल के दौरान कई तरीके के अजिहे फैसले ले गए जिहड़े कि पार्टी के आगू ये कहिंदे ने कि वह फैसले ने जिहड़े वह कितें ना कितें नहीं सी ले जाने चाहिए, जिन्हां फैसलों तो बाद श्रोमणी अकाली दल की अज यह स्थिति बनती हुई नज़र आई है। तो 2017 की गल की जाए बुरी तरह हार का सामना करना पिया ते विरोधी धिर दे विच भी अकाली दल नहीं सी आ सकिया, महज 17-18 सीटां ते सिमट के रह गया सी। पर 2022 दे विच जिहड़ी हालत है इस तों भी बुरे तरीके दे नाल 3 सीटां ते जाके रुकी ते गल कीती जावे जिमनी चोणां दी, तां भावें बंदी सिंघां दी मुद्दे रिहाई दे मुद्दे नूं लै के श्रोमणी अकाली दल चोण मैदान दे विच सी पर हार दा सामना करना पिया इन्हां चोणां दे विच, तां इह स्थिति बणी। हालांकि सुखबीर सिंह बादल हुणां दे वल्लों सिमरनजीत सिंह मान दे नाल भी पहुँच की गई सी पर उन्होंने इनकार कर दिता सी। जिस तरीके सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया सी इन्हां चोणां नूं लैके कि वह पंथ दे नाल सहयोग करन, इन्हां चोणां दे विच बीबी कमलदीप कौर राजूवाला दी सपोर्ट करन, ते अगलियां चोणां जिहड़ियां 2024 दे विच आ रहियां ने उन्हां चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान नूं अपना उम्मीदवार लानेगा, पूरा पंथ उम्मीदवार लानेगा ते पूरी सपोर्ट भी करेगा। पर उन्होंने उन्हां दी इस पेशकश नूं ठुकरा दिता, जिस तों बाद सिमरनजीत सिंह मान दी तां वड्डी जित होई है इन्हां संगरूर चोणां दे विच, उह मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बन के आए ने। पर अकाली दल की जिहड़ी स्थिति आ उस तरीके की बनी है कि वह पंजवें नंबर के उत्ते जांदी नज़र आई है, जिस तों बाद यह फैसला हुण सुखबीर सिंह बादल लैंदे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मीटिंग है जिहड़ी होनी है उस दे विच यह फैसला सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों लिया जाणा है। तो कह सकते हैं कि अजिहे हालात ने हुण बनते नज़र आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल की गल की जाए तो
जिस तरीके दे नाल असीं तुहानूं दस के हटे हाँ कि 2007 तो लैके 2017 तक श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी स्थिति सीगी पंजाब दे विच सरकार सी 10 साल तक सरकार रही है, तो उस तो बाद जिहड़ी स्थिति आ उह हेठां नूं जांदी हुई नज़र आई है। 2017 की विधानसभा की गल की जाए जां फिर गल करिए 2022 दीआं विधानसभा चोणां दी, तां इन्हां चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल की जो स्थिति बनी है उस तो बाद जिहड़ा कह सकते हैं कि वह खुद जिम्मेवारी मानते हैं कि जेकर कोई प्रधानगी दे अहुदे ते हुंदा तां उसकी जिम्मेवारी होंगी है जिहड़ियां भी चोणां होंदियां ने जां जो भी पार्टी के कामकाज होंदे ने उसके लिए कि वह जिम्मेवार हुंदा है, जेकर पार्टी को कोई फायदा हुंदा है जां नुकसान हुंदा है तां जिहड़ा प्रधान हुंदा उसका जिम्मेवार हुंदा है। तां कह दईए कि एक वड्डा नुकसान चलना पिया सी, तां हुण देखना होगा कि किस तरीके दियां स्थितियां ने जिहड़ियां वह अकाली दल के अंदर बनदियां होईयां नज़र आउंदियां ने। तां फिलहाल वड्डी खबर दर्शकों दस दईए कि जिहड़ियां इन्हां चोणां नूं लैके जिहड़ी हार हुई है उस तों बाद अकाली दल दे वल्लों हुण ये वड्डा फैसला लिया जाना है कि सुखबीर सिंह बादल जो प्रधानगी दे उहदे तों अस्तीफा देंदे ने किस तरीके का माहौल नज़र आएगा। बलविंदर सिंह भूंदड़ की गल की जाए उन्हां दी गल की जाए तो वह कार्यकारी जां नवें प्रधान ने जिहड़े वो लगाए जा सकते हैं। तो एक बार फिर तों दर्शकों नूं दस दईए कि जिस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल की स्थिति बनती नज़र आई है तो देखना होगा कि आने वाली चोणा क्योंकि 2024 दे विच भी चोणा आ रही ने तो श्रोमणी अकाली दल महसूस कर रहा है कि उन्हां चोणा दे विच किस तरीके दे नाल वधिया तरीके दे नाल प्रदर्शन किया जाना है। तो उस दे मद्देनज़र ये फैसला जेकर किया जाए तो लैंदा होया नज़र आएगा श्रोमणी अकाली दल। तो खास तौर के उत्ते यह भी गल देखण वाली होएगी कि 2024 दीआं चोणां दे विच किस तरीके का प्रदर्शन श्रोमणी अकाली दल का रहिंदा है, क्योंकि पिछलियां चोणां दी गल कीती जावे भावें हुण मौजूदा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने सुखबीर सिंह बादल उन्हां दी पत्नी बीबी हरसिमरत कौर बादल, पर जिहड़ियां अगलियां चोणां दे विच किस तरीके का प्रदर्शन रहिण वाला है किस तरीके दे नाल तैयारियां दे राहीं पार्टी अगे नूं आएगी वह कितना कितें देखण वाली गल होएगी। फिलहाल दर्शकों नूं दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल के वालों जिहा फैसला हुण लिया जा सकता है जिस तरीके दे नाल समय समय से जिहड़े प्रधान ने वह बदलते रहे ने पार्टी के, पर हुण सुखबीर सिंह बादल लंबे समय तो पार्टी के प्रधान चले आ रहे हैं, कई बार सर्वसम्मति नाल उन्हां नूं प्रधान बना दिता जांदा ते उस तों बाद हुण कह सकते हैं कि यह जिहड़ा फैसला लिया जाएगा उस तों बाद किस तरीके दीआं स्थितियां ने पार्टी के अंदर नज़र आउणगीआं। तां दर्शकां नूं एक बार फिर तों दस दईए कि संगरूर जिमनी चोणां दे विच जिहड़ी बुरे तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल की हार हुई 50,000 तो भी घट वोटां दे फर्क वोटां जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल दे हिस्से जांदियां नज़र आईयां। बीबी कमलदीप कौर राजोवाणा तां उन्हां नूं चोण मैदान दे विच उतारिया गया सी, भाई बलवंत सिंह राजोवाणा जिन्हां नूं कि सिख कौम दे वल्लों काफ़ी मान सम्मान दिता जांदा है मौजूदा दौर दे विच भी, जो कि पटियाला दी सेंटर जेल दे विच बंद ने ते उधर उन्हां दी जिहड़ी भैण है उन्हां नूं चोण मैदान दे विच अकाली दल उतारदा है, उन्हां दे चोण निशान ते चोण लड़दे ने ते भावुक अपील भी की जाती है। जो चोण माहौल की गल की जाए उस माहौल दे विच बंदी सिंघां नूं लैके भावुक अपील की जाती है, पर श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी इन्हां चोणां दे विच बुरे तरीके दे नाल हार हुंदी है जिस तों बाद हुण श्रोमणी अकाली दल कोई ठोस कदम चुकन जा रहा है। पल पल की अपडेट दिंदे रहांगे, जुड़े रहो विनिंग पंजाब टीवी नाल, दिओ इजाजत, धन्यवाद।